हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये मैंने एक पेटल बनाई है, एक मैं बना के दिखाऊंगी। ये मैंने दो पेटल का तोरण पट्टी बनाई है। अगर आपको फुल तोरण बनाना है तो तीन पेटल्स बनेंगी तो फुल तोरण बनेगा। तो ये देखने में बहुत सुंदर है और बनाने में उतना ही आसान है। इसकी स्टार्टिंग तोरण पट्टी से करेंगे। तोरण पट्टी के लिए 9 चेन लेंगे। नाइन चेन ले ली, अब 7 डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनेंगे। 2 चेन छोड़ के स्टार्ट करना है। और हर एक चेन पे बना लेना है तो 7 डबल क्रोशिया ये बन जाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग में 2 चेन छोड़ के, तो ये देखिए 7 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चेन ले लेनी है नेक्स्ट राउंड के लिए और स्टार्टिंग के 2 डबल क्रोशिया बनाने। अभी चेन ले लेंगे 4, 1 2 3 4, और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चेन लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए 3, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब यहां पर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और जो इसके बीच में है बांध लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे और दोनों डबल क्रोशिया बना लेंगे लास्ट के। तीन चेन नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। इसी तरह का ये डिजाइन में हमने तोरण पट्टी बनाई है। तोरण पट्टी के लिए आप कोई और डिजाइन भी ले सकते हैं। तो ऐसे कंटिन्यू बना लेंगे। 3 चेन ले लेनी है, 2 डबल क्रोशिया बना के और इसके बीच में बांध लेना जो 4 चेन ले रहे हैं। फिर 3 चेन। ये हमने तोरण पट्टी की साइज ज्यादा चौड़ाई में नहीं रखी है। आपको अगर ज्यादा चौड़ी रखनी है तो आप चेन बढ़ा देना। ये देखिए, तो इस तरह से मैं कंटिन्यू बना लूंगी। जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से ये मैंने इसी तरह से डिजाइन बना के दिखाने के हिसाब से बनाई है। तो आप अपने दरवाजे के नाप से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने हाफ डबल क्रोशिया में ये फिनिशिंग की है, बीच में 2 चेन लेके और एक तोरण पट्टी का राउंड छोड़ के। ये देखिए, एक राउंड छोड़ के 2 चेन ऊपर और हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से ये फिनिशिंग कर लेंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे तोरण में मैंने ये सेम फिनिशिंग की हुई है। अभी मैं आपको ये पेटल बनानी बताऊंगी। तो इसको हम हाफ कर लेंगे इतनी साइज से। ये इतनी हाफ है तो ये हम बीच यहां से निकालेंगे। ये बीच है हमारा। छह चेन ले लेंगे।
सिक्स, छह चेन ले ली, बीच वाला पार्ट छोड़ देना, इसमें डाल लेना। फिर तीन चेन लेंगे और नेक्स्ट में तोड़ पट्टी के नेक्स्ट राउंड में बांध लेना और इस पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे पूरे पे। इस तरह से तो ये देखिए इसमें पूरे में डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर मैं नेक्स्ट राउंड में बांध लेना है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, दो छोड़ देंगे, सेम एक ही जगह पे तीन डबल क्रोशिया। एक चेन, इस तरह से ये पांच बना लेंगे। इसके ऊपर दो हो गए, तीन और बनेंगे। ये देखिए सेम ऐसे ही दो राउंड लेने हैं, एक हो गया और एक ये और ले लेंगे। ये हमने इस वाले होल में डाला है। फिर एक चेन, ये देखिए इस तरह से ये बना लेना है। अब हम ब्लू कलर लगाएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे ब्लू कलर। इलेवन चेन लेंगे, इलेवन और दो एक्स्ट्रा, ये हमें यहाँ पर थर्टीन चेन ले ली। इसके बाद हम इसे यहाँ बांध लेंगे, ये दो छोड़ के। डबल क्रोशिया बना लेंगे, 11 डबल क्रोशिया लेके और यहाँ बांध लेंगे। ग्यारह, बारह, तेरह, इसमें हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
अब हमें बांधना नहीं है, कंटिन्यू इसी तरह से बनाने हैं। तीन चेन में बनाएंगे अभी, हर एक चेन में काउंट करके चेन एक और बनेगा। ये एक चेन है, थोड़ी दूर पे बांध लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड बना लेंगे, टोटल हमें काउंट करके इसके बराबर। तो ये देखिए मैं ये इस तरह से ये अलग अलग बना लेने हैं, 11 चेन लेके, 2 चेन और एक्स्ट्रा लेके, 13 चेन लेके, 2 चेन छोड़ के थर्ड पे डालना है, और इसमें टोटल 11 डबल क्रोशिए फिर बन जाएंगे। हर एक चेन पर बना लेने हैं इस तरह से। काउंट करके बनाने सारे बराबर बराबर बनाएंगे फिर। ये देखिए लास्ट है, तो इसे हम लास्ट में ऑरेंज कलर में ही बांधेंगे यहाँ पर। यहीं से हमने स्टार्ट किया था और फिर यहाँ ले लें। इस तरह से मैंने ये कलर बना लिया है। मैं वापस से ऑरेंज कलर लगाऊंगी। तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहां पर इसे नाप के साइज लेके और ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे। इसको भी काउंट कर देख सकते हैं, तोड़ पट्टी के कितने राउंड छोड़े हुए। इसके ये वाला डिजाइन 2 छोड़ के थर्ड में लेना है, तो ये मैं 2 छोड़ के थर्ड में ले लूंगी। और अब हमें इन्हें जोड़ना है सबको, तो वो आप अपने हिसाब से कैसे भी जोड़ सकते हैं। मैंने बीच में 3 चेन ले लेके जोड़ा है इनको, ताकि अच्छे से सर्कल बन जाए। तो ये हम बीच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन ले लेनी स्टार्टिंग में, एक सिंगल क्रोशिया और एक और लेंगे, 2, 1, 2, 3 चेन। नेक्स्ट 1, 2। इस तरह से राउंड में पूरे सबको जोड़ लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डबल क्रोशिए का राउंड लिया एक, इनको बांधने के बाद उसके बाद ये चार डबल क्रोशिए एक ही जगह पे दो राउंड है ये, तो उसके बाद मैंने ये झालर लगाई है इसमें। दो चेन बीच में लेनी है, उससे सर्कल अच्छे से आएगा। आप एक चेन लेंगे तो खिंचा खिंचा लगेगा, एक ही जगह पे चार डबल क्रोशी। फिर दो चेन बीच में और ये एक और ले लेना है। इस तरह से ये मैंने दो राउंड बनाए डबल क्रोशिए के बाद। उसके बाद मैंने झालर बांध दिए इस पे। आप चाहें तो पोम पोम बोल या जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये ऑरेंज कलर हटा देंगे अब, यहाँ के लिए और झालर बनाऊंगी। तो ये मैंने इतने के अंदाज से बनाई है, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं रखी है। आप चाहें तो लेंथ में भी बना सकते हैं। ये मैंने राउंड किए हैं काउंट करके 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 16 राउंड कर लेने हैं। आपको ज्यादा हैवी रखने हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसे बांध लेंगे। और ये मैंने हर एक चार डबल क्रोशिए के बाद बांधे हैं, तो ये टोटल 16 बने हैं। तो 16 मैंने बनाने हैं झालर। देखिए ऐसे हो गए। अब इसको साइड से निकालेंगे और यहाँ पर बांध लेंगे। इस तरह से मैंने झालर लगाई है। बराबर कर लेंगे, छोटा बड़ा होगा वो इसके बराबर करेंगे। ये और बांध लेते हैं, फिर इस बराबर काट लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बराबर बराबर कर लेने, जो भी बड़ा लगे निकाल देंगे उसे। और एक यहां भी बांध लेना है बीच में। दो बांध सकते हैं, तीन भी बांध सकते हैं, जितने बांधना चाहें। तो ये देखिए, ये हमारा डिजाइन बनके तैयार है। बहुत सुंदर डिजाइन है और आसान भी बहुत है, तो आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।